बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र नारायण पंडित विरचित हितोपदेश मित्र लाभ। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवार। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत मित्र लाभ प्रकरण बीए पार्ट फर्स्ट के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। हितोपदेश का प्रथम श्लोक, सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात तस्य दुर्जटे जानवी फेन लेखे व्यनमूर्धनि शशिनः कला। यनमूर्धनि जिनके ललाट पर जिनके मस्तक पर शशिन कला चंद्रमा की कला, जानवी फेन लिखे गंगा जी के फेन की रेखा के समान शोभायमान है। जिनके ललाट पर चंद्रमा की कला गंगा जी के फेन की रेखा के समान शोभायमान है। तस्य दूरजटे उन चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से सताम अस्तु साध्य सिद्धि। उन महादेव जी की कृपा से सज्जनों का मनोरथ सिद्ध हो जाए, साधु जनों का मनोरथ सिद्ध हो जाए। जिनके ललाट पर चंद्रमा की कला गंगा जी के फेन की रेखा के समान शोभायमान है, उन चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से साधु जनों अर्थात सज्जनों का मनोरथ सिद्ध हो जाए। श्रुतो हितोपदेशो अयम पाठवम संस्कृत उक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च। अयम हितोपदेशः, यह हितोपदेश नामक ग्रंथ श्रुत सुनावा सुनने से संस्कृत उक्तिषु संस्कृत के बोलने चालने में पाठवम चतुरता को सर्वत्र वाचाम वैचित्र्यम सब विषयों में वाक्यों की विचित्रता को और नीति विद्याम ददाती और नीति विद्या को देता है। यह हितोपदेश नामक ग्रंथ सुनावा अर्थात सुनने से संस्कृत के बोलने चालने में चतुरता को सब विषयों में वाक्यों की विचित्रता को और नीति विद्या को देता है। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतित ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। प्राज्ञ बुद्धिमान पुरुष अपने को अजर अमरवत कभी भी बुढ़ा नहीं होऊंगा और कभी भी नहीं मरूंगा ऐसा जानकर विद्या और धन संचय का विचार करे, ऐसा जानकर विद्या और धन संचय का विचार करे और मृत्यु ने चोटी को आप पकड़ा ऐसा सोचकर धर्म करे। बुद्धिमान मनुष्य अपने को कभी बूढ़ा नहीं होगा और कभी नहीं मरूंगा ऐसा जानकर विद्या और धन संचय का विचार करे और मृत्यु ने चोटी को आप पकड़ा है ऐसा सोचकर धर्म करे। सर्व द्रव्येषु विद्येव द्रव्यम आहु अनुत्तमम अहार्यत्वात् अनर्घवत्वात् अशयत्वात् च सर्वदा। इस श्लोक में विद्या का महत्व बताया गया है कि पंडित लोग सब काल में कभी चोरादिकों से नहीं चुराए जाने से अनमोल होने से और कभी क्षय न होने से सब पदार्थों में से उत्तम पदार्थ विद्या को ही कहते हैं। पंडित लोग सब काल में अहार्यत्वात् चोर आदि के द्वारा नहीं चुराए जाने से, अनर्गत्वात् अनमोल होने से, अमूल्य होने से, अशयत्वात् और कभी भी नष्ट नहीं होने से, कभी भी क्षय नहीं होने से, सर्व द्रव्येषु सब पदार्थों में से विद्या को ही उत्तम पदार्थ कहते हैं। उत्तम पदार्थ विद्या को ही कहते हैं। पंडित लोग विद्वान लोग सब काल में कभी भी
अर्थात कभी भी चोरादिकों से नहीं चुराए जाने से, अनमोल होने से और कभी क्षय न होने से, सब पदार्थों में से उत्तम पदार्थ विद्या को ही कहते हैं। संयोजयति विद्येव नीच गापि नरम सरित समुद्रम इम दुर्दर्शी नृपम भाग्यम अतः परम। नीच गा अपि सरित, जैसे नीच अथा तुच्छ तृणादि से मिलने वाली नदी उस तृणादि को अथा समुद्र में जा मिलाती है, उसी प्रकार विद्या भी नीच पुरुष को प्राप्त होकर राजा से जा मिलाती है, फिर सौभाग्य का उदय कराती है। जैसे नीच अर्थात तुच्छ तिनके आदि से मिलने वाली नदी उस तृणादि को अथा समुद्र में जा मिलाती है, उसी प्रकार विद्या भी नीच पुरुष को प्राप्त होकर राजा से जा मिलाती है और भाग्यम अतः परम और फिर सौभाग्य का उदय कराती है। जैसे नीच अर्थात तुच्छ तृण आदि से मिलने वाली नदी उस तृण आदि को अथा समुद्र में जा मिलाती है, जैसे नदी में कोई तिनका आदि गिर जाता है तो नदी उस तिनके को बहा करके समुद्र तक ले जाती है और उसे समुद्र में जा मिलाती है, उसी प्रकार विद्या भी नीच पुरुष को राजा से जा मिलाती है और राजा के पास जाने के पश्चात उसके भाग्य का उदय होता है। इसमें विद्या का महत्व बताया है कि जैसे नीच अर्थात तुच्छ तृणादि से मिलने वाली नदी उस तृणादि को अर्थात समुद्र से जा मिलाती है, उसी प्रकार विद्या भी नीच पुरुष को प्राप्त होकर राजा से जा मिलाती है फिर सौभाग्य का उदय कराती है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या मनुष्य को नम्रता देती है और नम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और फिर धर्म से सुख प्राप्त होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, विनयात याति पात्रताम और विनम्रता से योग्यता, पात्रत्वात् धनम आपनोति योग्यता से धन, धनात् धर्मम धन से धर्म तथा सुखम और फिर धर्म से सुख पाता है। मनुष्य धर्म से सुख पाता है, विद्या मनुष्य को नम्रता देती है और नम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म फिर धर्म से सुख पाता है। विद्या शस्त्र से शास्त्र से द्वे विदे प्रतिपत्ते आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आदरिते सदा। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों आदर कराने वाली है, परंतु पहली अर्थात शस्त्र विद्या बुढ़ापे में पुरुषार्थ न होने से हंसी कराती है और दूसरी अर्थात शास्त्र विद्या सदैव आदर कराती है, और शास्त्र विद्या सदैव आदर कराती है। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों आदर कराने वाली हैं। आद्या हास्याय व्रतत्वे, परंतु पहली अर्थात शस्त्र विद्या व्रतत्वे बुढ़ापे में हास्याय हंसी कराती है, शस्त्र विद्या बुढ़ापे में पुरुषार्थ न होने से हंसी कराती है। द्वितीय आद्रियते सदा, और दूसरी अर्थात शास्त्र विद्या आद्रियते सदा सदैव आदर कराती है। मित्र लाभ सुहृद भेदो विग्रह संधिरेव च पंच तंत्रा तथा अन्य अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिखते। पंच तंत्र तथा अन्य नीति शास्त्र ग्रंथों से आश्रय लेकर मित्र लाभ सुहृद भेद विग्रह संधि ये चार भाग बनाए जाते हैं। मित्र लाभ, पंचतंत्र तथा अन्य नीति शास्त्र ग्रंथों से आश्रय लेकर मित्र लाभ सुहृद भेद विग्रह संधि ये चार भाग बनाए जाते हैं। अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम देयम नगरम तत्र सर्वस्वामी गुणोपेत सुदर्शनो नाम नरपति आसीत स भूपतिर एकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकद्वयम सुश्राव। भागीरथी तीरे गंगा जी के किनारे पर पाटलिपुत्र नाम देयम नगरम अस्ति, गंगा जी के किनारे पर
पटना पाटलिपुत्र नाम का एक नगर है। तत्र सर्व स्वामी गुणोपेत, वहाँ राजा के संपूर्ण गुणों से शोभायमान सुदर्शनो नाम नरपति आसीत। सुदर्शन नाम का एक राजा रहता था। स भूपति एकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं सुश्राव, एक समय उस राजा ने किसी को पढ़ते हुए ये दो श्लोक सुने। गंगा जी के किनारे पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर है, वहाँ राजा के संपूर्ण गुणों से शोभायमान सुदर्शन नाम का एक राजा रहता था। एक समय उस राजा ने किसी को पढ़ते हुए ये दो श्लोक सुने। अनेक संशय उच्छेदी परोक्षार्थ दशकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एव स। अनेक संशय छेदी, अनेक संदेहों को दूर करने वाला और छिपे हुए अर्थ को दिखाने वाला शास्त्र, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम सबका नेत्र है ज्ञान रूपी, जिसके पास वह शास्त्र नेत्र नहीं है और जिसके पास वह शास्त्र नेत्र नहीं है वह अंधा है। अनेक संदेहों को दूर करने वाला और छिपे हुए अर्थ को दिखाने वाला शास्त्र, सबका नेत्र है ज्ञान रूपी, जिसके पास वह शास्त्र नेत्र नहीं है वह अंधा है। अनेक संदेहों को दूर करने वाला और छिपे हुए अर्थ को दिखलाने वाला सबका नेत्र है ज्ञान रूपी, जिसके पास वह शास्त्र नेत्र नहीं है वह अंधा है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एक अपि अनर्थ राय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम युवावस्था, धन धन संपत्ति, धन संपत्ति धन, प्रभुत्वम प्रभुत्वा और अविवेकिता अविचारता, इनमें से एक एक भी हो तो अनर्थ के करने वाली हैं और जिसमें ये चारों हों वहाँ का क्या कहना, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं रह सकता, वहाँ कुछ भी उचित नहीं हो सकता। यौवन धन प्रभुता और अविचारता, बिना विचारे कार्य करना अविवेकशीलता, इनमें से एक एक भी हो तो ये अनर्थ के करने वाली हैं और जिसमें ये चारों हों उस वहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, कुछ भी उचित नहीं है। इति आकर्ण्य आत्मना पुत्रानाम अनधिगत शास्त्रानाम नित्य उन्मार्गामी नाम शास्त्रान अनुष्ठाने। उद्विग्न मना स राजा चिंतयामास, इन दोनों श्लोकों को सुनकर वह राजा शास्त्र को न पढ़ने वाले तथा प्रतिदिन कुमार्ग में चलने वाले अपने लड़कों के शास्त्र न पढ़ने से मन में व्याकुल होकर सोचने लगा। इति आकर्ण्य, इन दोनों श्लोकों को सुनकर, अनधिगत शास्त्रानाम व राजा शास्त्रों को न पढ़ने वाले, नित्यम उन्मार्ग गामिन और प्रतिदिन कुमार्ग में चलने वाले, शास्त्र अनुष्ठाने उद्विग्न मना, अपने लड़कों के शास्त्र न पढ़ने से मन व्याकुल होकर चिंतयामास व सोचने लगा। इन दोनों श्लोकों को सुनकर वह राजा शास्त्र को न पढ़ने वाले तथा प्रतिदिन कुमार्ग में चलने वाले अपने लड़कों के शास्त्र न पढ़ने से मन व्याकुल होकर सोचने लगा। को अर्था पुत्रेन जाते यो न विद्वान धार्मिक, कानेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़े केवलम। को अर्था पुत्रेन, उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो न विद्वान है न धार्मिक है, जैसे काणी आंख से क्या लाभ, केवल आंख को ही पीड़ा है। को अर्थ पुत्रेन जाते यो न विद्वान न धार्मिक, काणेन चक्षुषा किम वा चक्षु पीड़ा एव केवलम। जो न पंडित है न धर्मशील है, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ किस काम का, जैसे काणी आंख से क्या कर सकता है व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति काणी आंख से क्या कर सकता है, केवल आंख को ही दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, पीड़ा है, केवल आंख को ही पीड़ा है। अजात मृत मूर्खा नाम वरम आद्यो न च अंतिम अंतिम सकृत दुख करावाद्या वंतिम अस्तु पदे पदे।
अजात उत्पन्न नहीं हुआ, मृत और उत्पन्न होकर मर गया, और मूर्ख। इन तीनों में से पहले दो अच्छे, वरम आद्यो न च अंतिम। इन तीनों में से पहले दोनों अच्छे, अजात जो उत्पन्न नहीं हुआ है, अमृत, अजात जो उत्पन्न नहीं हुआ, मृत उत्पन्न होकर के मर गया है, और मूर्ख। वरम आद्यो न च अंतिम, इन दोनों में से आरंभ के दो अच्छे हैं, अंतिम अच्छा नहीं है। क्योंकि सकृत दुख करो आद्यो, क्योंकि पहले दोनों एक ही बार दुख देने वाले हैं, पहले दोनों एक ही बार दुख के करने वाले हैं। अंतिम तु पदे पदे, किंतु अंतिम क्षण क्षण में हमेशा दुख देता है, अंतिम क्षण क्षण में हमेशा दुख देता है। उत्पन्न नहीं हुआ तथा होकर मर गया, और मूर्ख। इन तीनों पुत्रों में से पहले दो अच्छे हैं और अंतिम मूर्ख अच्छा नहीं, क्योंकि पहले दोनों एक ही बार दुख के करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, अंतिम क्षण क्षण में हमेशा दुख देता है। वरम गर्भ स्रावो वरम अपि च न एव अभिगमनम, वरम जात प्रेतो वरम अपि च कन्येव जनिता, वरम वंद्या भार्या वरम अपि च गर्भेषु वस्ति, न च अविद्वान रूप द्रविण गुण युक्तो अपि तनय। और गर्भ स्रावो वरम, गर्भ का गिर पड़ना, न एव अभिगमनम, स्त्री का संसर्ग न करना, वरम जातः प्रेतो उत्पन्न होकर मर जाना, कन्या एव जनिता कन्या का होना, वंद्या भार्या वरम स्त्री का बांझ रहना अथवा उसके गर्भ में ही रहना अच्छा है। परंतु रूप सुंदरता, द्रविण गुण युक्तो अपि सुवर्ण के आभूषणों से युक्त भी, अद्विद्वान मूर्ख पुत्र होना न वरम अच्छा नहीं है। परंतु सुंदरता और सुवर्ण के आभूषणों से युक्त भी मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं, और गर्भ का गिर पड़ना, स्त्री का संसर्ग न करना, उत्पन्न होकर मर जाना, कन्या का होना, स्त्री का बांझ रहना अथवा उसके गर्भ में ही रहना अच्छा है। परंतु सुंदरता और सुवर्ण के आभूषणों से युक्त भी मूर्ख पुत्र होना अच्छा नहीं है। स जातो येन जाते याति वंश समुन्नतिम, परिवर्तनी संसारे मृतो को वान जायते। और जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की बड़ाई हो, वह मानो उत्पन्न हुआ है, नहीं तो इस असार संसार में मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता। और ये जातेन याति वंश, ये जातेन जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की उन्नति होती है, वंश का मान सम्मान बढ़ता है, उसी का जन्म सफल है, उसी का जन्म हुआ हुआ मानना चाहिए, अथवा वरना इस परिवर्तनशील संसार में कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है, मर करके कौन जन्म नहीं लेता है, अर्थात बहुत से होते हैं और बहुत से मरते हैं। और जिस पुत्र के उत्पन्न होने से वंश की बड़ाई हो, वंश का मान सम्मान बढ़े, वह जानो उत्पन्न हुआ, नहीं तो इस असार संसार में मरकर कौन मनुष्य उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात बहुत से होते हैं और बहुत से मरते हैं। गुणी गण गणनारंभे न पतति कठिनी सुत्रंबम आद्यसे, तेनंबा यदि सुतिनी वद वद्या की दृशी नाम। गुणी गण गणना आरंभे, गुणी लोगों की गिनती के आरंभ में जिसका नाम गौरव पूर्वक खड़िया से नहीं लिखा जाए, ऐसे पुत्र से जो माता पुत्रवती कहलाए तो बांझ कैसी होती है, अर्थात जिसका पुत्र निर्गुणी है वही सचमुच बांझ है। गुणी गण गणना आरंभे, गुणियों की गिनती के आरंभ में जिसका नाम पतति कठिनी सूत्रम आद्य से गौरवपूर्व खड़िया से नहीं लिखा जाए, तेन अम्बा ऐसे पुत्र से जो माता सुतिनी पुत्रवती कहलाए तो कहो बांझ कैसी होती है, अर्थात जिसका पुत्र निर्गुणी है वही स्त्री सचमुच बांझ है, वही माता बांझ है। दाने तपसी शौर्य च यस्य च प्रथितम मनः, विद्यायाम अर्थ लाभे च मातुरुच्चार एव स। और भी कहा गया है कि दाने दान में, तपसी तप में, शौर्य शूरता में,
विद्यायाम विद्या के पढ़ने में और अर्थ लाभे और धन के लाभ में। यस्य च यस्य न प्रथितम मना, जिसका मन नहीं लगता वह पुत्र मातुर उच्चारे अपनी माता के मल मूत्र के समान वृथा है अर्थात निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। और भी कहा है कि दान में, तप में, शूरता में, विद्या के पढ़ने में और धन के लाभ में जिसका मन नहीं लगा वह पुत्र अपनी माता के मल मूत्र के समान वृथा है। वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतानी अपि, एक चंद्र तमो हन्ति न तारा गणा अपि। और दूसरे गुणी एक ही पुत्र अच्छा है परंतु मूर्ख सौ अच्छे नहीं, क्योंकि अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर कर देता है किंतु अनेक तारों के समूह भी नहीं कर सकते हैं। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतानी अपि, और दूसरे गुणी एक ही पुत्र अच्छा है परंतु मूर्ख सौ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक चंद्र तमो हन्ति, क्योंकि एक ही चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है, उसको दूर कर देता है। न तारा गणा अपि, किंतु अनेक तारों का समूह भी अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता।